स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट। वीक है 10, क्लास 5th की बच्चों में यहाँ बात कर रही हूँ। बच्चों आज का सब टॉपिक है टू नो अबाउट पार्ट्स एंड होल। तो बच्चों पार्ट्स और होल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, रेड बटन दबा करके सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देयर इज़ अ ग्रिड ऑफ 16 बॉक्स। देखिए बच्चों, ये हमें 16 बॉक्स का एक ग्रिड दिया गया है, ग्रिड दिया है 16 बॉक्स का। ब्लू कलर इज़ फिल्ड इन सम ऑफ द बॉक्सेस ऑफ द ग्रिड। बच्चों कई बॉक्सेस में हमें ब्लू कलर फिल कर रखा है। टेल हाउ मच पार्ट ऑफ द ग्रिड इज़ कलर्ड ब्लू एंड हाउ मच पार्ट इज़ लेफ्ट अनकलर्ड। तो देखिए बच्चों, आपको बताना है कि कितना पार्ट कलर्ड है और कितना अनकलर्ड है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट पार्ट कवर्ड है। कितने का? 16 बॉक्सेस का, 8 बॉक्सेस कवर्ड है। तो हम लिखेंगे 8/16। अनकलर्ड कितना है? 8 ही अनकलर्ड है, तो यहाँ लिखेंगे 8/16 अनकलर्ड पार्ट है। Draw a grid of 16 box in your notebook and color the boxes given pattern. आप सभी को बच्चों इस तरह से एक ग्रिड बनाना है अपनी कॉपी में 16 boxes का, ठीक है। अब आपको देखिए क्या करना है, 3/16 ब्लू करना है। तो 3/16 पार्ट आपको ब्लू करना है, तो करिए 1, ओके, 2, 3 पार्ट आपने 16th के 3 पार्ट आपने ब्लू कलर कर दिए। 5/16 रेड पार्ट। अब बच्चों 5 पार्ट हमें कितने किसका करना है? रेड करना है, तो हम यहाँ करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट है 1/2 पार्ट येलो। 1/2 मतलब हाफ पार्ट। तो देखिए बच्चों 1/2, 1/2 का मतलब होगा हाफ पार्ट, ठीक है। तो हाफ पार्ट हमें करना है येलो कलर से, तो चलिए बच्चों येलो कलर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। आया बच्चों सभी को अच्छे से समझ में? तो देखिए बच्चों, जिस तरह से हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ सभी ग्रिड्स में कलर कर दिए। सभी को आया अच्छे से समझ में? तो इस तरह से आप सभी अपनी कॉपी में बना करके इसमें कलर करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, रामूज वेजिटेबल फील्ड इज़ डिवाइडेड इंटू 9 इक्वल पार्ट्स। बच्चों 9 इक्वल पार्ट्स में रामू जो है उसके फील्ड को, वेजिटेबल फील्ड को डिवाइड किया गया। टेल विच वेजिटेबल इज़ ग्रोन इन बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड एंड हाउ मच पार्ट डज इट कवर। तो देखिए बच्चों, आपको बताना है कि विच वेजिटेबल इज़ ग्रोन इन बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड। बच्चों देखिए, आप सभी को देखिए यहाँ पे चिली, पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, स्पिनच, टोमेटो, पोटैटो एंड टोमेटो। आपको बोला गया है विच वेजिटेबल इन ग्रोन इन बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड एंड हाउ मच पार्ट डज इट कवर। तो 9 पार्ट है, 9 में से बच्चों सबसे ज़्यादा पार्ट किसने कवर कर रखा है? टोमेटो ने। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा टोमेटो, एंड कितना पार्ट है? 3/9 पार्ट
उसने कवर कर रखा है। देखिए वन पार्ट, टू पार्ट एंड थ्री पार्ट। ओके, पोटैटो इज़ ग्रीन इन हाउ मच पार्ट ऑफ द फील्ड। पोटैटो देखिए वन एंड टू पार्ट में ग्रोन है, यहाँ लिखेंगे 2/9 पार्ट। हाउ मच पार्ट ऑफ द फील्ड इज़ यूज फॉर ब्रिंजल। ब्रिंजल में भी वन एंड टू, तो 2/9 पार्ट, तो यहाँ लिखेंगे 2/9 पार्ट। हाउ मच पार्ट ऑफ द फील्ड इज़ यूज फॉर स्पिनच। और स्पिनच के लिए ओनली वन, तो 1/9 पार्ट इज़ यूज फॉर स्पिनच। आया समझ में सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पार्ट ऑफ द होल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय रेड बॉल। रेड बॉल ने बच्चों कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रखा है, देखिए 1, 2, 3, 4 और टोटल कितने हैं, ये सर्किल 10, तो 4/10 इसने ऑक्यूपाई कर रखा है। ग्रीन 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ लिखेंगे 5/10 और इसको हम हाफ भी लिख सकते हैं, 1/2 या 5/10। और ब्लू, ब्लू ने ओनली वन स्पेस कवर कर रखा है, तो 1/10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रोहन हैज़ 20 टोमेटोज़ एंड 18 पोटैटोज। ही गेव 1/4 ऑफ द टोमेटोज़ एंड 1/6 ऑफ द पोटैटो टू सोहन। हाउ मैनी टोमेटो एंड पोटैटोज डज सोहन गेट। अब बच्चों देखिए, रोहन के पास 20 टोमेटोज़ है, 20 का 1/4 उसने सोहन को दे दिए और 18 पोटैटोज़ है, 18 का 1/6 उसने सोहन को दे दिए, तो कितने बचे उसके पास बच्चों, सॉरी उसने कितने दिए, 5 तो टोमेटोज दिए और 3 उसने पोटैटो दिए, तो यहाँ लिखेंगे 5 टोमेटो एंड 3 पोटैटोज सोहन को मिले। ठीक है, नेक्स्ट 2/4 ऑफ द टोमेटो एंड 3/6 ऑफ द पोटैटोज टू मोहन। हाउ मैनी टोमेटो एंड पोटैटो डज मोहन गेट। तो बच्चों देखिए, 2/4 ऑफ टोमेटो, 20 का 2/4 कितना होगा, तो ये होगा 10, तो 10 टोमेटो। ओके, और 3/6 पोटैटो का, तो ये कितना होगा, 9 पोटैटो मोहन को मिले। आया बच्चों सभी को समझ में अच्छे से? नेक्स्ट देखिए बच्चों, लाइफ स्किल, ट्रैवल फेयर। डिस्कस विद योर पेरेंट्स वेदर दे हैव ट्रैवल्ड बाय ट्रेन। हाउ मच मनी डिड दिस पेस स्पेंड ऑन परचेजिंग ऑफ ट्रेन टिकट। तो बच्चों देखिए, आप सभी को अपने पेरेंट्स से पूछना है कि उन्होंने ट्रैवल किया है ट्रेन में, तो यहाँ आप सभी लिखेंगे अगर ट्रैवल किया है तो यस। ठीक है, और उन्होंने बच्चों उस ट्रेन का टिकट परचेज करने में कितना रुपये स्पेंड किया, जैसे मैं यहाँ लिखूँगी दे स्पेंड रुपीज 500 ऑन परचेजिंग ऑफ ट्रेन टिकट। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, यू वॉन्ट टू गो सी कुतुब मीनार। इफ़ यू आर यूजिंग फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाउस टू कुतुब मीनार, देन वॉट विल बी एक्सपेक्टेड फेयर, डिस्कस विद योर पेरेंट्स। देखिए बच्चों, आप सभी को बोला गया है कि आप अपने घर से कुतुब मीनार जा रहे हैं, ठीक है, देखने के लिए, तो आपको कितना फेयर देना पड़ेगा, आप सभी अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके यहाँ बताएं। नेम ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देखिए बच्चों, मेट्रो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन में कितना लगेगा, 70। ठीक है, बस, बस लेगी आपका 50, टैक्सी लेगी बच्चों आपका 150 एंड ऑटो रिक्शा लेगा बच्चों आपका 60। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट संस्कार शाला, द मोर दैट यू रीड द मोर थिंग्स यू विल नो, द मोर यू लर्न द मोर प्लेसेस यू विल गो। तो देखिए बच्चों, जितना आप रीड करेंगे, ठीक है, उतनी ही आपको नॉलेज मिलेगी, उतना ही आप सभी को गेन होगा नॉलेज। द मोर यू लर्न, जितना आप याद करोगे उतनी ही नई जगह घूमने को आपको मिलेगी। ब्राउन कलर थीम, ईट ड्रिंक एनी ब्राउन कलर फूड लाइक चीकू कीवी बॉइल्ड पोटैटो बॉर्न मीटा मिल्क और एनी अदर फूड। गेम पास द पार्सल प्ले विद योर फैमिली। एक्टिविटी ऑफ द डे, विद द हेल्प ऑफ द एल्डर्स प्रिपेयर अ नंबर नेम ट्रेन इन योर नोटबुक। बच्चों नंबर नेम ट्रेन, देखिए आप सभी को पता है ट्रेन में इस तरह से बॉक्सेस होते हैं, तो इस तरह से आप सभी को बॉक्सेस बनाने हैं सबसे पहले। ठीक है,
और इस तरह से बनाने के बाद आप सभी को इसमें नंबर नेम लिखना है 1, 2, 3, 4 और 100 तक आप सभी को कंप्लीट करने हैं। डेली रूटीन, इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट इन योर डेली रूटीन। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, टेक अ बाथ डेली, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट, अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, कम्प्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट कंप्लीट करनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा करके आप सभी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, साथ ही साथ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी से जाइए और मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को रेड बटन दबा करके सभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो ऑल्सो।